بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम आपको सिखाएंगे जी मक्की के दाने कैसे भूनते हैं. तो जी ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिए हैं. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी. आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद परवीन. अच्छा जी, तो आज जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मेरे पास सिट्टे पड़े हैं मक्की, तो आज मेरे ख्याल तकरीबन अभी शाम के 7:15 हो चुके हैं. तो आज बहुत दिल कर रहा है कि मैं वो सिट्टे उतार के दाने भूनूंगी. अच्छा, मसला ये बना है कि कल मैंने रेते का पता किया था, लेकिन यहाँ से रेता साफ़ नहीं मिला. तो आज हमने फैसला ये किया है कि आज मैं बनाऊंगी नमक के अंदर, और उससे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं. तो जी मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे तो पहले जाके मैं सिट्टे लेके आती हूँ, तो उसको इसके दाने उतारने मैं आपको दिखाऊंगी कि दाने कैसे उतरते हैं. तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़ेदार हम दाने भुनेंगे. तो जी अब मैं जा रही हूँ जहाँ सिट्टे पड़े हैं, वहाँ से सिट्टे से ये हमारी चारपाइयाँ खड़ी हैं, क्योंकि मुझे कमरे में नींद नहीं आती तो मैं टीवी लॉन्च में चारपाइयाँ डालती हूँ. अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाह, ये देखें जी सिट्टे पड़े हैं, ये मैं उठाऊंगी. ये देखें जी बेचारे. अच्छा जी, ये बाहर से बिल्कुल, ये देखें जी ऐसे सूख गए, ये अंदर से बिल्कुल नहीं सूखते, बिल्कुल मतलब है कि गीला पानी इसके अंदर होते, गीले गीले होते हैं. अच्छा जी, अब मैं जाती हूँ अपने कमरे में, वहाँ बैठ के इसके ऊपर से हम पर्दे उतारेंगे और इसके दाने उतारेंगे, फिर मज़ेदार भूनूंगी मैं. भून के आपको दिखाऊंगी कि कैसे भूनते हैं और कितने मज़ेदार हैं. इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दाने कैसे उतारते हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तो अभी मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि मुझे ट्राईपॉड लगा के दो, क्योंकि हाथ से मोबाइल हाथ से उतारेंगे तो फिर ये नहीं हम छील सकते. ये देखें जी, तो अभी कहते हैं जी ट्राईपॉड. अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने टेबल रख लिया है. तो जी अब हम यहाँ पे हमारी छलियाँ भी पड़ी हैं और मैंने ये जाली ले ली है, जो भी बर्तन आपके पास मौजूद हो, प्लेट वगैरह जिसमें डाल. अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें जी हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है जी. और ये देखें जी, इधर आओ मेरे पास आके बैठो भाई, आ जाओ आ जाओ. अच्छा जी, तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, हिलानी नहीं है, ज़ाहिर नहीं लाए. अच्छा जी, इसी तरह हम सब छलियों को पर्दे उतार लेंगे, उतार के फिर हम आपको दिखाते हैं. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. हमने इसके छिलके उतार लिए. अच्छा जी, अब देखें जी मैं आप सबको तरीका बताती हूँ, ये बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि हम गौ मैं से उतारते थे. ये देखें जी बिस्मिल्लाह, इसको मैंने तोड़ा, ये देखें पकड़ा यूँ, ये देखें ऐसे, ये इस मतलब बड़े अंगूठे उंगली के साथ, ये बड़ा अंगूठा इसके साथ थाम के साथ हम उतारेंगे. ये देखें जी ऐसे. अच्छा जी, अगर आपको महसूस हो रहा है कि दर्द हो रही है, नहीं तो यहाँ से पकड़ा, ये देखें ये देखें ऐसे, कितने आसानी से उतर रहे हैं, ये देखें. लेकिन मुझे आदत है यहाँ पैसे उतारने की. अच्छा, एक मैं आप सबको मज़े की बात बताती हूँ. जब हम सब छोटे छोटे थे ना, तो रात को हम जब सोते थे ना, तो मेरी अम्मी ना, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी जी मुझे ना कोई पहेली बताएं. अम्मी कहती, अच्छा मैं पहेली आपको डालती, आपने ज़रूर बताना. मैंने कहा अच्छा जी बताएं. अच्छा, अम्मी ने कहना, अम्मी जी ने कहना, हरी भरी मोतियों से जरी. हमने कहना पता नहीं ये कौन सी पहेली है, अम्मी प्लीज़ हमें बताएं. कहना नहीं आप हमें बताएं.
अच्छा जी, हमने सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना, यकीन करें कि रात आधी रात है, हमने कहना अम्मी मैं, अच्छा अम्मी जी हम हार गए आप जीत गए, फिर अम्मी ने कहना छल्ली, यानी कि ये जब हरी होती है अपने यानी कि पौधे पे लगी होती है तो ये बिल्कुल ग्रीन होती है, ठीक है ना, ये देखें ऐसे मैं उतार रही हूँ, उतारने का ये तरीका है इसका। अच्छा जी एक मैं और आप सबको बहुत एक ज़रूरी बात बता रही हूँ, ये इसके जो बाल हैं ये वाले छल्ली के, अच्छा यकीन करें कि जिसको पुराना जुकाम है खांसी है इसका कहवा बना के अब यकीन करें पिए, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे यकीन करें खांसी और जो जुकाम है वो बिल्कुल ख़त्म हुई, अब यकीन करें कि ये एंटीबायोटिक होता है, इससे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप इसका कहवा बना के पीना तो देखना कि कितना ही ये फायदेमंद, इंशाल्लाह जो नज़ला जुकाम है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे हम उतार रहे हैं दाने, जाहिर इधर आओ मेरे साथ हेल्प कराओ, इधर आओ। अच्छा जी ये मेरे बेटे का दोस्त आया है, ये एक जो दोस्त है जो बिलाल के साथ व्लॉग बनाता था उसका नाम है उजैर, इसका नाम है उमैर, आओ उमैर इधर आओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? हाँ जी तो यहाँ पे ये मेरे साथ देंगे। अच्छा जी कल आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? डिफेंस। अच्छा जी इसको मैंने कहा है कि मुझे डिफेंस लेके जाएं, तो बिलाल से मैंने कहा कि बिलाल आप मेरे साथ हैं, तो बिलाल कहता अम्मी जी मैंने नहीं आना, मैंने कहा ठीक है जी आपकी मर्जी, कहता मुझे डर लगता रश में, उस दिन हम मकान देखने गए थे, इसकी ज़रा दिखाना तारफ करवाना, आपने कहना कि मेरी आंटी की चैनल को सब्सक्राइब ही करें। अच्छा जी तो ये हमारा प्यारा सा बच्चा है, इसकी बात है। अच्छा खान साहब बताए ना, ये बाल पीछे करो ये खान साहब हैं, तो ये हम मेरे बेटे के दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है जी, बिलाल तो माशाल्लाह ये खड़ा है। तो जी इसी तरह हम सारे इसके जो हैं दाने उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्की के दाने जो सिट्टे पे थे हमने वो उतार लिए। अच्छा जी यहाँ पे मैंने ये लोहे की कढ़ाई पकौड़ों वाली रख दी, क्योंकि इसके अंदर मैं बनाती हूँ पकौड़े, अब जलाने लगी। अच्छा जी हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अच्छा यहाँ पे मेरे पास नमक है, मैंने मतलब के सोचा यही है कि भाई रेता नहीं डालते, क्योंकि गाँव में तो रेता बहुत साफ होता है, लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह रहमान इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, नमक से बहुत मज़ेदार दाने बनते हैं। ये देखो मैंने नमक डाल दिया। अच्छा जी यहाँ पे ऐसे करके हमने, अच्छा जी तो हम नमक को करेंगे गरम। अच्छा मज़ेदार तो रेते से बनते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ का रेता मुझे तसल्ली नहीं, इसलिए मैंने रेता नहीं डाला क्योंकि मुझे साफ रेता। अच्छा जी यहाँ पे हमारा हम एक कप लेंगे दाने मक्की। अच्छा जी यहाँ पे हमने बिस्मिल्लाह इसको आराम आराम हिलाते रहेंगे। तो जी कल की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह छोटे पाए मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक मेरा सब्सक्राइबर है उसने मुझे बहुत कहा है कि प्लीज़ आंटी आप मुझे जैसे आपने बड़े पाए बनाने बनाए हैं मुझे भी छोटे बकरे के पाए बना के दें, वो आज मुझे पाए दे के गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला, उसने मेरे से एड्रेस लिया वो आए और पाए दे के गए हैं, तो इंशाल्लाह कल जो पाए बड़े पाए होते हैं उनकी और रेस भी होती है, जो छोटे होते हैं उनका और तरीका होता है, यानी दोनों का अलग अलग तरीका होता है, इंशाल्लाह कल बहुत ज़बरदस्त वो मैं छोटे पाए तैयार करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, यानी कि कल मेरा पूरा 1 घंटे का इंशाल्लाह व्लॉग आ रहा है, इसके अंदर पाए तैयार करूँगी मैं, मैक्रोनिस तैयार करूँगी, तो कोशिश
कोई एक और भी मेरा सब्सक्राइबर है, उसने भी कहा मुझे मक्रोनीस बना के भेजे, तो उनको भी मैंने बना के भेजना है। उसका नाम पता नहीं क्या है, तलहा। इंशाल्लाह बेटा कल आपके पास मक्रोनी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये मेरे दोनों सब्सक्राइबर लाहौर के हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इनको बना के भेजूंगी। सकलैन आप भी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कल आपके पास पाए पहुंच जाएंगे। तो अब मज़ेदार से दाने मैं भून रही हूँ। अच्छा जी, अब 2 मिनट हम यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरह थोड़ा सा हीट आ जाए। अब फिर इसको हिलाएंगे। गांव में तो पता वो क्या कैसे होता है, गांव में झाड़ू लेंगे ना, नया झाड़ू, उसको फिर आगे से काट के, तो उसके हम ना भुना करते थे उससे, बहुत यानी कि वो ऐसे चौड़ा हो जाता ना, ब्रश की तरह हो जाता, तो फिर हम ना वो एक मट्टी का इतना बड़ा मटका होता, उसको तोड़ के ऊपर से तोड़ के फिर वो मट्टी का ऐसे बना के उसके अंदर मतलब लगाते थे, फिर दाने भूनते थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, ये इतने मतलब होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रिस्पी होते हैं, या हम पंजाबी में कहते हैं मरुकने, ये बड़े मज़ेदार मरुकने बन गए हैं माशाल्लाह। इसको पूरे तकरीबन मैंने 8-9 मिनट, ये देखें जी इसको अच्छी तरह भूना है, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा यहाँ वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक नहीं ज़्यादा, ये देखें जी माशाल्लाह। अब खुशबू आना शुरू होगी, अब चूल्हे को करते हैं बंद। तो जी अब हम करते हैं, इनको निकालते हैं इसी कंदर से ना ले, ये देखें जी हाँ, आज तो गांव की सज्जन के चाकरी याद आ गई जी, वाह। चलो जी माशाल्लाह, तो जी ये सही ले लिए फोटो मम्मा। अच्छा जी, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मक्की के दाने मज़ेदार देख रहे हैं कि मैंने भून लिए। अच्छा जी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक वॉच करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारे मक्की के दाने कैसे लगे। ये बहुत आसान है और जल्दी 5-10 मिनट में ना ये तैयार हो जाते हैं। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इसी दुआ के साथ अल्लाह मियाँ आपको खैर वफियत वाली ज़िंदगी दे, और अपना बहुत सारा ख्याल, अपने पड़ोसियों बहन भाइयों का, सबको हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।